जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पंचायतों के चुनाव को लेकर पास की गई नई बिल के विरोध में आज सांबा में पंचों सरपंचों ने सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इसमें उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्दी वे इस बिल को वापस लेने तो पंच सरपंच उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कि कहा कि ये बिल ना तो जनता के हित में और ना ही सरपंचों के हित में, इसलिए चुनाव से पहले इस बिल को वापस। जम्मू कश्मीर सरकार पंचायतों की हत्या बंद करो, पंचायतों की हत्या बंद करो, पंचायतों की हत्या बंद करो, राज्य सरकार हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय, पंचायतों की हत्या बंद करो, पंचायतों की हत्या बंद करो, काला कानून बंद करो, काला कानून बंद करो, काला कानून बंद करो, काला कानून बंद करो, काला कानून। अपना आज का ये प्रोटेस्ट है, ये जो हमारा आज का प्रोटेस्ट है ये रियासत जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ है, क्योंकि जो असेंबली में पंचायतों के खिलाफ उन्होंने जो बिल पास किया ये सरासर गलत है। ये लोगों पहले जो सरपंच थे या पंचायतें थी वो लोगों की सहमति से बनाई जाती थी, सरपंच डायरेक्ट तौर पे प्रत्यक्ष रूप से उसको लोगों द्वारा चुना जाता था, क्योंकि जो पंचायतों का जो औचित्य है वही है कि लोगों का और सरपंचों का डायरेक्ट तालमेल होना चाहिए। अभी जो जो काम सरकार कर रही है इससे जो लोगों की डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है सरपंच के साथ उसमें थोड़ी फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि जैसे पहले दो चुनाव एक्ट 1999 के तहत हुए उसी तरह से होने चाहिए, क्योंकि लोगों का और सरपंच का जो डायरेक्ट लगाव है वो जुड़ा रहे। जैसे मिसाल के तौर पे एक मोहल्ले में एक जहाँ एक वार्ड में एक पंच की इलेक्शन हो गई, वो पंच की कुछ ऐसे जिन्होंने वोट डाले होते हैं वो पंच जो निर्माण है, क्योंकि असेंबली में ये जो काला कानून जनता विरोधी कानून लोगों के विरोधी कानून पंचायत विरोधी कानून इसको वापस ले सरकार, नहीं तो हम जल्दी ही सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार पे होगी, एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी।